नमस्कार, मैं हूं मीनका और आप देख रहे हैं अराउंड द ग्लोब। आज हम बात करने वाले हैं नजीहा सलीम के बारे में। आखिर कौन है ये नजीहा सलीम, तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल ने आज 23 अप्रैल को डूडल के जरिए नजीहा सलीम को याद किया है। प्रभावशाली कलाकारों में से एक नजीहा चित्रकार और प्रोफेसर थी। बताया जाता है कि नजीहा ने अपनी कला से ग्रामीण इराकी महिलाओं के जीवन को दर्शाया था। आज गूगल के डूडल पर ध्यान से नजर डालें तो इसमें दो अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर में नजीहा सलीम है जिसमें उनके हाथ में पेंट ब्रश दिख रहा है और दूसरी ओर उनकी पेंटिंग की झलक दिख रही है। बता दें कि नजीहा का जन्म सन 1927 में इस्तांबुल में हुआ था। नजीहा के तीन भाई थे जो कला के क्षेत्र में काम करते थे, साथ ही उनके पिता भी एक चित्रकार हुआ करते थे और माता कढ़ाई का काम करती थी। बताया जाता है कि नजीहा ने फाइन आर्ट से स्नातक की तालीम हासिल की है। नजीहा अपनी कला और मेहनत से ऐसी पहली महिला बनी जो पेरिस के इकोले नेशनल सुपीरियर डस बेक्स आर्ट्स में आगे की पढ़ाई के लिए सम्मानित की गई। नजीहा को इराक के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों के रूप में याद किया जाता है। बता दें कि साल 2008 15 जनवरी को उनका निधन हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।